मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। मैंने ये कार्डिगन बनाया है और कार्डिगन के ऊपर ये मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पूरे कार्डिगन पे। ये मैंने सोफन आगे से, ये आगे का पीस है और ये देख सकते हैं आप, ये इसकी बैक है, ये इसकी बैक आई है। पूरा बैक में भी ये हाफ एंड हाफ बाजू हम चेंज करेंगे। ये मैंने पीछे के पीस के लिए 100 फंदे डाले हैं। 100 फंदों में मैंने 50 फंदे में डिज़ाइन डाला है। 50 फंदे में मैंने डबल कलर यूज़ किया है और 50 फंदे में मैंने सिंगल कलर यूज़ किया है। ठीक है, इसमें मैंने 6-6 सिलाई करते हुए ये पूरा बनाया है। बाजू हमने चेंज लगाई है। अगर हमारा इधर लाइनिंग का आता है तो लाइनिंग में हमने प्लेन बाजू यूज़ की है और प्लेन में हमने लाइनिंग वाली बाजू यूज़ की है। फिर मैंने यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी बनाई है, बहुत प्यारा सा नमूना बनाया है, इस पर पूरी फ्लारिंग की है। अब मैं आपको ये एम्ब्रॉयडरी बताती हूँ। पीछे के पीस में मैंने 100 फंदे डाले हैं, आगे मैंने दोनों में 60-60 फंदे डाले हैं। 60-60, 50-50 ये रहेंगे, 50 फंदे ये पीस के हैं और 10 फंदों की मैंने, ये जो आप बटन वाली पट्टी देख रहे हैं, पट्टी लगाई है, 10 फंदों की इसमें बढ़ाई है और 10 की मैंने नीचे इस वाले में। इतने पीछे के पीस में मैंने 100 फंदे किए हैं और आगे के पीस में मैंने 120 फंदे हैं, ताकि इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही हो। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये एम्ब्रॉयडरी मैंने कैसे बनाई है। इस एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको अच्छे से नज़र आ रही है ये। अब मैं इसको पीछे आपको इसको बना के दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ। ग्राफ के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ऊपर से हम ऐसे कोई भी, ये आपको ये ऐसे करके, पहले मैंने ग्राफ बनाया है। ये आप किसी चौक से, टेलर चौक आती है या कोई कलर, अगर लाइट कलर है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पहले इसमें ग्राफ बनाया है। अब मैं हम इस ग्राफ के ऊपर, इसके लिए हमको चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके लिए हमें चाहिए कलर चौक, 3-4 कलर की ऊन और सीज़र कैंची। ठीक है, जैसे अब मैंने इसमें 4 कलर यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बेस के लिए इसमें क्रीम कलर, क्योंकि यहाँ इसका बेस मैंने क्रीम लिया है। मैंने फ्लावर के लिए पिंक, येलो, ब्लू 3 कलर यूज़ किए हैं और यहाँ मैंने शेडेड ऊन, ये ग्रीन कलर यूज़ किया है शेड वाला, यहाँ लीव्स बनाने के लिए। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें ये वाली सुई चाहिए। सबसे पहले हम इसका जो बेस लीव्स है, बेस है, स्टेम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए स्टेम बनाएंगे। सुई में धागा डाला, यस, और ये हमने इतना धागा ले लिया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने, अब आप देखिए, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर से, बॉर्डर को आपको छोड़ देना है। मैंने पहले 12 सिलाई का बॉर्डर भी बना रखा है ये। अब आप एम्ब्रॉयडरी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ना ये जो धागा है, धागे को ऊपर की साइड रखिए। ऊपर धागा लिया, धागे को बिल्कुल ऊपर कर लिया और यहाँ से, ये ध्यान देने वाली बात है कि सुई को हमने यहाँ से डाला और इसको ऊपर से, ऊपर ऐसे किया, ये धागा ऊपर रहेगा। अगर आपको आती है तो इसको चैन स्टिच बोलते हैं ये। ठीक है, फिर हमने फिर से वही, फिर जहाँ हमने धागा बाहर आया सेम वहीं से डालेंगे और ऐसे लंबी करके सुई ली। धागे का ध्यान रखेंगे कि धागा हमेशा ऊपर ऐसे रहेगा। हमने ऐसे किया, अब हम इसको ऐसे ही करते जाएंगे। यहाँ से हमने सुई डाली, जो हमने इसका ग्राफ बनाया था, हम ग्राफ के ऊपर इसको पूरा बना लेंगे। धागा हमें सिंगल यूज़ करना है, डबल धागा यूज़ नहीं करना है। यहाँ से हमने फिर से, ये आप देख सकते हैं, धागा हमेशा ध्यान रखना है कि धागा हमेशा आप आगे रखेंगे, धागे को बिल्कुल भी पीछे नहीं करना है। यहाँ से ये देखिए, और नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से ऐसे किया और ये हो गया। ठीक है, ये फिर यहाँ से निकाला और यहाँ आ गया। इस तरह करके हम ये पूरा का पूरा पूरा ग्राफ बना सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, ये आप ऐसे करके बना। अब हमारा ये इस तरह बन जाएगा। मैंने इतना किया है, इस तरह हम ये पूरा
कर लेंगे पूरा ऊपर तक। इसके बाद हम दूसरा ये लीव्स के लिए ग्रीन कलर मैंने यूज़ किया है। अब हम इसमें ये जो मैंने इधर लीव्स बनाई हैं, ये जो इधर लीव्स बनाई हैं, ये अब हम ये वाली लीव्स बनाएंगे इसके, ठीक है। अब हम इसके लिए हमें फिर वही प्रोसीजर, इसमें यहाँ से यहाँ धागा लिया, फिर वही करना है। इसमें हम थोड़ा बड़ा टाका लेना है, धागा आगे किया, सुई को डाला, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा लेना है, इसको लेजी डेजी स्टिच बोलते हैं। आगे किया, सेम है, वही प्रोसीजर रहेगा, ये हमने ऐसे किया। अब हम इसको बंद कर देंगे, यहाँ से नीचे लाएंगे और इसी में धागा इधर करके, और अब हम ये इसमें दूसरी लीव्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लीव्स बनाएंगे। ये बन गई, फिर हम इसी में से इसी के साइड से यहां ले लेंगे धागा। अब ये मैंने इस तरह यहाँ इसमें पूरे में, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इधर पूरे में ये लीव्स बना ली हैं। अब हम ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने इधर यहाँ बनाई है, तो इसके बीच में हम यहाँ बनाएंगे ये वाली लीव्स। ऐसी वही प्रोसीजर रहेगा कि ये ऐसे और धागा आगे करना है, धागा आगे किया, फिर पीछे, फिर हमने यहाँ से निकाला, इन दो लीव्स के बीच में से हम अब यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम बनाते जाएंगे दोनों लीव्स के बीच का ही हमें हिसाब रखना है कि हम बीच में से बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह ये हमारा पूरा हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरह ये दोनों लीव्स तैयार कर ली हैं। अब हमें जो मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं, अब ये जो फ्लावर्स बनाए हैं मैंने, इसके लिए तीन कलर यूज़ किए हैं, पिंक, स्काई ब्लू एंड येल्लो। अब हम ये बनाएंगे, इसके लिए हम पहले हल्का सा ग्राफ बनाएंगे, अगर आप नहीं बिना ग्राफ के भी बना सकती हैं तो बहुत बेटर है। इसके लिए हम ऐसे छोटे छोटे एक दो तीन चार ऐसे ऊपर तक बनाते जाएंगे, ठीक है। अब हम मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला स्टार्ट कर लेती हूँ। इसमें हम, आप ध्यान से देखिए, कहीं भी बीच से सुई डालेंगे, ये जो मैंने सर्किल बनाया कहीं भी बीच से। इसके बाद वही धागा आगे किया और हमने यहाँ से लेके और इस सर्कल में पूरा ऐसे एक वही लेजी स्टिच वाला बनाया है, लेकिन अब हमारी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी चेंज होगी। अब हम धागा ऊपर ना करने की बजाय साइड में करेंगे, जैसे मैंने किया, जो नीचे छेद था उसी में ले गए और उससे थोड़ा सा, जहाँ हमारी अभी थी उसके थोड़ा सा बराबर में हम इस तरह करेंगे। और ये देखिए, ये हमने ऐसे बनाया। इस धागे को हम इस हाथ से दबाते जाएंगे, फिर वही छेद, और फिर उसको ऐसे ही हम सर्किल टाइप बनाते जाएंगे। नीचे छेद वही रहेगा, ये देख सकते हैं आप, इसी में से बार बार निकाल रहे हैं, और ये पूरा ऐसे, ये हम पूरा इसी तरह सर्किल है, पूरा सर्किल इसी तरह बनाते जाएंगे, हमारा पूरा हो जाएगा ये। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस हाथ में हमारी सुई है दूसरे हाथ से हमें धागे को दबाना है। ये हमारा पूरा एक सर्किल जैसा बन जाएगा। ये फ्लावर बहुत प्यारा लगता है, आप चाहें तो इसमें कोई, अब जब हम यहाँ आ गए हैं इतनी सी जगह बची है, तो जो शुरू में हमने ये ध्यान दीजिए, शुरू में जो हमने लेजी स्टिच लिया था उसमें से इस धागे को हम इसमें से इसके अंदर से निकालेंगे और नीचे ले जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर बना है। ये फ्लावर अब हम पीछे ले जाके ऐसे करके इसको, ये और ये, और अब हम इसको सीजर से काट देते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं। ये देखिए
कितना प्यारा फ्लावर बनाया है। इसमें आप एक ब्लू, ब्लू के पास एक येलो, एक पिंक, ताकि कलर कॉम्बिनेशन प्यारा सा आए। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पिंक लिया, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर से पिंक, इस तरह करके हम पूरा ऊपर तक बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे आस्तीन में भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इस तरह ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बनता है। अब मैं आपके लिए ये किया है, आप इस तरह पूरा किसी स्वेटर वगैरह में भी बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।